बलरामपुर जनपद के विकासखंड हरैया सतघरवा क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम पंचायत चौधरी डीह में स्थित स्वर्गीय नंद सिंह मेमोरियल जिला स्तरीय क्रिकेट टूर्नामेंट आरएस एकेडमी के क्रिकेट टूर्नामेंट में आज आखिरी दिन फाइनल मैच में मुख्य अतिथि के रूप में जिला पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि बलरामपुर श्याम मनोहर तिवारी तथा विशिष्ट अतिथि तुलसीपुर विधायक कैलाश नाथ शुक्ला व सिरसिया ब्लॉक प्रमुख अमित सिंह श्रीवास्तव विधायक प्रतिनिधि अरमान वर्मा ने पहुंचकर खिलाड़ियों का परिचय प्राप्त कर उनका उत्साह वर्धन किया। कार्यक्रमकर्ताओं ने मुख्य अतिथि व विशिष्ट अतिथियों तथा उपस्थित लोगों को माला पहनाकर उनका जोरदार स्वागत किया। आज का क्रिकेट सिद्धार्थनगर व गोरखपुर के बीच खेला गया। सिद्धार्थनगर की टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी की, जिसमें गोरखपुर की टीम 109 रन 5 विकेट बचाकर 110 रन का लक्ष्य रखा और वहीं दूसरी टीम सिद्धार्थनगर ने 19 ओवर में 74 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। वहीं गोरखपुर की टीम ने 36 रनों से हराकर मैन ऑफ द मैच का खिताब हासिल किया। निश्चित तौर पे बहुत अच्छा प्रयास है और आयोजक बंधु को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि ऐसे प्रयास से क्षेत्र में जो बच्चे होते हैं जिनके अंदर क्रिकेट की प्रतिभा होती है, और रही बात लोकप्रियता की, तो क्रिकेट तो इंडिया में बहुत ही ज़्यादा लोकप्रिय हो चुका है और घर घर में देखा जा रहा है ये मैच, चाहे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हो चाहे आज आपके यहाँ इस क्षेत्र में हो रहा है ये टूर्नामेंट। तो मैं बधाई देता हूँ आयोजक बंधु को और यहाँ के लोकल के जितने भी जनप्रतिनिधिगण यहाँ पर हैं, चाहे अध्यक्ष जी हों चाहे हमारे मामाश्री हों या जितने भी हैं यहाँ पे त्रिपाठी जी यादड़ी, सबको मैं बधाई देना चाहता हूँ कि एकजुट होकर आप लोगों ने इस कार्यक्रम के आयोजन में हिस्सा लिया। क्रिकेट हमें जो कहना था वो हो रहा है, वास्तव में हम लोग शहरों खेल मानते गाँव हो रहा है और गाँव भी हिंदुस्तान के आखिरी छोर पर हो रहा है। ये अपने आप में एक अभिनव प्रयास है, इसके लिए इसके आयोजक समिति को मैं धन्यवाद देता हूँ और निवेदन करता हूँ कि हर साल यहाँ हो, कि यहाँ के लोकल बच्चे जो गांव के हैं वो भी भाग करें। हाँ, तो अभी बड़ा अभिनव प्रयास है, बड़ा बढ़िया है कि ये ग्रामीण क्षेत्र में इस खेल के लिए देश के आखिरी छोर पर जो हो रहा है, समझिए कि खेल के लिए बहुत बड़ा योगदान है, बहुत बड़ा काम है। भाई राजवीर सिंह जी, दारा जी और जो लोग हैं, जैसे सुनने में आ रहा है कि इस क्षेत्र के जो वो हैं छात्र हैं जो इस क्षेत्र में जाना चाहते हैं, उनके लिए कोई प्रशिक्षण की व्यवस्था है? हाँ है। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।